ये अपना ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल है बताने के लिए। एक है, एक हेल्पर रखना पड़ेगा। कैसे? साइड में कौन है? चालू कर। एक और चीज है, ये अरे वो लिखने के लिए नहीं, वो क्या था ये सॉफ्टवेयर है, इससे क्या होता है पूरी स्क्रीन बन जाती है। तो मैं जो भी लिखूंगा ना तो ऐसा लगेगा कि उसको करीब ये आवाज आवाज की सेटिंग सही होगी। और ये माइक जो है ना यहाँ लगा लेंगे। कौन सी टेक्स्ट वाली? तो ये आ जाएगी, इसको जब चाहे जब बुला लो। अभी लाइव चल रहा है, अभी स्ट्रीमिंग हो रही है। ये आ गया ना, ये आ गया। अब बोल रहे ना नहीं नहीं अभी आ जाएगा। अब जैसे इधर है ना, ये दिख रहा है ना लाइव। अभी अपन टाइप ऑफ सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहे हैं, तो पहले एचडी कैमरा हाँ, तो इसी से तो पता चलेगा कहाँ पे चल रही है दिल्ली में। मुझे क्या मालूम चलेगा कहाँ चल रहा है। अभी तो है टाइप ऑफ कैमरा हो गया, एचडी कैमरा हो गया, ये आईपी कैमरा हो गया, ये स्टैंड अलोन कैमरा हो गया, ये 4G कैमरा हो गया। भाई ये चार तरीके के कैमरे हो गए। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट नेक्स्ट अपन को बताना है कि अब एचडी कैमरे के अंदर क्या क्या सामान होता है। सामान दुकान से कोई खरीद के लाएगा तो क्या क्या सामान, तो उसको जो है सीसीटीवी कैमरा लाना है, उसको डीवीआर लाना है, पावर सप्लाई, वायर, हार्ड डिस्क, माउस, बीएनटीवीसी, राउटर, पीवीसी बॉक्स, रैक, सैडल, क्लिप पिन टेप, एंकर बोल्ट, टेप, स्क्रू, पावर एक्सटेंशन बोर्ड। इसके अलावा जो टूल चाहिए वो ये सारे टूल लेके जाना जरूरी है। इसमें खासतौर से जो सीडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीडी नहीं लेके जाते वहाँ भटकते रहते हैं। टाइटल हर जगह कोई साइट वाला थोड़ी देगा। ये एक होता क्या है, इंस्टॉलेशन वाले को क्या चाहिए, उसके टूल ही पूरे नहीं होते, क्या इंस्टॉल करेगा? कुछ नहीं करेगा, अटक जाएगा कहीं जाके, कुछ मांगेगा कहीं, कुछ मांगेगा। यदि आईपी कैमरे लगाने जा रहा है तो वो टूल तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा उसके पास है ये टूल और एक्स्ट्रा चाहिए, क्रिम्पिंग टूल चाहिए, पंचिंग टूल चाहिए, और लैंड टेस्टर चाहिए। होते ही नहीं उनके पास में भाई मोबाइल। हाँ ये सब क्या है, एक्चुअल बनाया पूरा शेड्यूल इस तरीके से। ये सीसीटीवी कैमरा के लिए किस टाइप ऑफ सीसीटीवी कैमरा कितने तरीके के होते हैं, इंडोर तरीके के में चार पांच तरीके के आते हैं, डोम है, बुलेट है, आउटडोर में बुलेट, पीटीजेड, फायर प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ। अब ये कैमरे तो क्या कोई लगाता ही नहीं है। ब्लास्ट प्रूफ होते हैं जैसे सीरिया, अल्जीरिया, इसका नाम है लीबिया, और जहाँ रिफाइनरी होती है तो वहाँ क्या डर रहता है कि साला ब्लास्ट हो गया तो कैमरा ही फट जाएगा। तो ब्लास्ट तो कैमरा क्या फायदा, देख ही नहीं पाएगा ब्लास्ट हुआ कहाँ हुआ, किस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ, वो अलग ही आता है। एनक्लोजर अलग आता है, तभी तो एक टाइप ऑफ एनक्लोजर होता है। अंदर का सर्किट वही रहता है, बस एनक्लोजर बदल जाता है।
ये सीसीटीवी कैमरा की अब एप्लीकेशन, अब क्या लोग लगाने चले जाते हैं और रेजोल्यूशन ही नहीं पता होता किस रेजोल्यूशन में कैमरा लगा। तो जैसे ये हो गया भाई, ये जो है क्या नाम है 1280 है, तो 1 MP जो होता है यूजली ये रेजोल्यूशन होता है 1280 × 720p। हाँ 2 MP का 1920 × 1080p, इस तरीके से क्या मेगापिक्सल के हिसाब से रेजोल्यूशन होते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फ्रेम रेट। जब सस्ते कैमरे बनाने होते हैं ना, उसमें क्या फ्रेम कम कर दो तो कैमरा सस्ता हो जाएगा, एस्पेक्ट रेट तब होता है क्या। फ्रेम रेट कम होने से नुकसान क्या है, जैसे सपोज करो नहीं ये गाड़ी 40 की स्पीड से भाग रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 सेकंड में भी 25 फोटो खींचता है कोई कैमरा, तो उससे क्या होगा कि उसकी 25 इमेज आएंगी 1 सेकंड में। अब सपोज करो कि गाड़ी की स्पीड ही 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 सेकंड में वो 10 मीटर आगे चली जाएगी, तो कैमरे की वायर निकल गई, तो 25 फोटो भी नहीं खींच पाया, उससे पहले कैमरे बाहर निकल गए। अब यदि 1 सेकंड में 5 फोटो ही खींचता है कोई कैमरा और गाड़ी की स्पीड इस तरीके से है कि 1 सेकंड में वो गाड़ी 10 मीटर निकल जाए, तो 10 मीटर निकल गई तो ना गाड़ी ही नहीं आएगी, मतलब जब उसको छोटी फ्रेम देखने को कोशिश करें, गाड़ी ऐसे भागेगी झपक झपक झपक, भूल भगेगी, गाड़ी दिखेगी नहीं एक्चुअल गाड़ी, नंबर प्लेट इसलिए तो नहीं आती। नंबर प्लेट वाले जो कैमरे होते हैं ना, वो खास तौर से ये 25 फ्रेम या 30 फ्रेम पे होते हैं, ये फर्क होता है। लोग कहते हैं लेंस 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 से ज़्यादा फर्क फ्रेम का होता है, उससे ज़्यादा फ्रेम नहीं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है एस्पेक्ट रेशो। लोग ये भी नहीं समझते क्या चीज़ है एस्पेक्ट रेशो। ये सस्ते DVR जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे 1920 × 1080 फ्रेम 2 MP कैमरा होता है, अरे तो इसी को क्या करेंगे, वो 1/2 और इसको 1920 × 1080 कर देंगे। अब 1/2 आधा फ्रेम कर दिया, एक्चुअल फ्रेम जैसे 16:9 होना चाहिए, तो वो 8:3 का फ्रेम रहेगा, तो कैमरा की कीमत हो गई कम, लोगों को लगेगा कैमरा तो यार 2 MP। अरे भैया 2 MP से क्या मतलब है, सस्ता कैमरा कर दिए बनाने वाले। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है जो लोग करते हैं, बाकी तो ये नाइट विजन वाले कैमरे हैं सबको पता ही है, आजकल तो कॉमन हो गई। ये जो है ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए यार, ये सब कुछ भी होता है, खरीदने जाओ तो पता होना चाहिए। यूजली ये पैरामीटर कोई नहीं बताता, कोई भी कंपनी जो होगी ना वो सिर्फ यही पैरामीटर बताएगी, फर्स्ट वाला ये वाला ये। बस वो बस आप इसी में खुश होते रहो, 1 MP की 2 MP 3 MP 4 MP, फ्रेम रेट एस्पेक्ट रेशो ये सब नहीं बताएगा, वो नहीं सब जानने की जरूरत नहीं। अब ये होता है लेंस, 3 mm 6 mm 4 mm लेंस है, वो तो लेंस के हिसाब से सब तरीके के लेंस आते हैं। लेंस तो और भी बड़े आते हैं भाई, टेलीस्कोपिक लेंस होते हैं जो यहाँ से सैटेलाइट को देखते हैं आसमान में से देखते हैं, लेंस तो लेंस ही होते हैं। वो बात अलग है कि सीसीटीवी कैमरे का लेंस जो होता है M12 लेंस होता है, मतलब इसमें क्या चूड़ी M12 लेंस बोलते हैं इनको, पंजे पर लगाते हैं सीसीटीवी, पर जो सैटेलाइट में टेलीस्कोपिक लेंस लगते हैं वो और भी है।